तो आपकी जो हैंड रिटन शीट नंबर 17 है उसमें प्रूफ गिवन है कि गॉस थ्योरम को रैंडम शेप बॉडीज पे कैसे लगा के प्रूफ किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल बहुत रेयर यूज होता है, बहुत बहुत रेयर यूज होता है। काफ़ी बुक्स इसको बताती भी नहीं होंगी, फ्यू बुक्स, कुछ अच्छी बुक्स हैं इसको डिस्कस करती होंगी। 15-20 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही देखने हैं कि कैसे लगना है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक ऑप्शनल टॉपिक है तो व्हाट्सएप पे मैं रिकॉर्डिंग दूंगा 15 मिनट की, वो आपने वहीं से कवर करना है और नेक्स्ट टाइम मैं उसका डिस्कशन करूंगा एक बार कि फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया। इतना ही है, मतलब ऐसा है कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ मिस कर दिया आपने, पर कर लेंगे तो आपको एक चीज़ पता ही लगेगी सॉलिड एंगल में कैसे काम करना होता है, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं हैंड रिटन शीट नंबर 18 और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो टॉपिक है, ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब कि प्रेशर जो चार्ज ने चार्ज के ऊपर लगाया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को समझें। और ये टॉपिक, ये शीट एनसीईआरटी की है, तो आप लिख सकते हैं शीट के ऊपर दिस इज फॉर एनसीईआरटी। तो आपके एनसीईआरटी में इसकी डिस्कशन की गई है, हालांकि आपके एडवांस में और मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे, जो आज मैं जाते हुए आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और नीट में भी आ सकता है, पर उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है इसमें कि सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, रैंडम शेप बॉडी है। तो मैंने स्फेयर नहीं लिया, मैंने कोई भी एक रैंडम शेप बॉडी ले ली। इस रैंडम शेप बॉडी के ऊपर चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक स्टूडेंट मुझे ये बोलता है, सर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, ऐसा ही है ना? तो कितने लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और कितने लोग बोलते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हो सकता है कहीं पर ज्यादा, हो सकता है कहीं पर कम आ जाए। बोलो क्या बोलते हैं? ज्यादा कम हो सकता है आपको लगता है? ओके, मैं फिगर चेंज कर देता हूं। मेरी जो फिगर है वो ये रही, एक स्फीयर है, लो मैंने इसको चार्ज दिया, एक शेल है। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि जो शेल है इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? भाई क्यों, तुम्हारा उस केस में तो तुमने नहीं बोला, उस केस में तो बोला कहीं पर ज्यादा कम, इस केस में बोल दिया कि हाँ हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा क्यों? ऐसा आपको क्या, ऐसा क्या फिगर आपको मन से बात ऐसा लगा, मन से लग रहा है कहीं पर ज्यादा कम क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एरिया लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कहीं पर ज्यादा एरिया कहीं पर कम, ऐसा लगा आपको? ऐसा लगा, ओके। देखो एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, आपने आंसर तो ठीक दिया, एक सिंपल प्रिंसिपल ये है, आपके पास क्यू चार्ज है, आपके पास क्यू चार्ज, छोड़ो ये सब स्टूडेंट्स हैं, मान लो यहाँ पर 45 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम एक काम करते हैं, इस क्लासरूम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, बच्चे उतने ही हैं, क्लासरूम छोटा कर देते हैं, तो इस क्लास की डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएगी। चलो और छोटा कर देते हैं, इतना सा कर देते हैं बस, इतने से स्टूडेंट भर ही जाएंगे पूरे, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना कम एरिया करते जाएंगे डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, चार्ज का भी सेम है। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है शेल, क्योंकि एरिया हर तरफ से सेम है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जब सरफेस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा। तो मैं एग्जांपल भी कंडक्टर का ले रहा हूं, कंडक्टर के अंदर तो वैसे भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम के अंदर तो चार्ज जाएगा नहीं, तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहां पर पाया जाएगा? सरफेस के ऊपर। तो कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे? सिग्मा। तो सिग्मा होता क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है? आप और एरिया को आप क्या लिख सकते हैं? क्यू डिवाइडेड बाय 4πr², ठीक है? आपने 4πr² लिया। आप मुझे एक बात बताओ, स्फेरिकल जो सर्फेसिस होती हैं उसमें आर, हर सरफेस का आप इतना सा एलिमेंट भी ले लोगे ना,
अगर आप ये एलिमेंट भी ले लोगे, ये एलिमेंट भी ले लोगे, ये भी ले लोगे, ये भी ले लोगे, ये भी जो मर्जी ले लो, हर एलिमेंट का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है? आर, आर के इक्वल है। तो अगर आर चेंज ही नहीं हो रहा, ये वाली टर्म चेंज ही नहीं हो रही, तो सिग्मा विल रिमेन सेम। क्लियर है? लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, आपको दूसरे एग्जाम्पल से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल है, ये लो। अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अब चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखो, आप एक चीज नोट कर रहे हो, जहां पर ये एजेस हैं, मतलब थोड़ा टाइट हो रहा है सरफेस, वहां पर मैं चार्ज ज्यादा शो कर रहा हूं। जहां पर फ्लैट है वहां पर चार्ज मैं दूर दूर शो कर रहा हूं। चार्ज तो बराबर है, पर डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पर ज्यादा शो कर रहा हूं, कहीं पर कम। मालूम है क्यों? क्योंकि इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे, इस कर्व का रेडियस देखेंगे, तो वो कर्व का रेडियस छोटा आएगा। इतने बड़े का अगर आप कंसिडर करेंगे, राइट, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, किसी का ज्यादा आएगा, किसी का कम आएगा। एग्री करते हो इस चीज से? क्लियर है यहां तक? अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि इसका रेडियस तो बहुत बड़ा आएगा, ये तो बहुत बड़ा बनेगा। कोई मुझे बताएगा कि प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होता है? इन्फिनिटी, जीरो नहीं होता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फ्लैट सरफेस बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। तो रेडियस जो होता है इसका क्या माना जाता है? इन्फिनिटी, बहुत ही बड़ा। फ्लैट सर्फेस का मतलब रेडियस इज इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब कहीं पर रेडियस ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो सिग्मा जो है, दैट इज चार्ज, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया फर्दर आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो जितना बड़ा आर होगा, उतना बड़ा एरिया होगा, उतना ही सिग्मा उसका क्या होगा? कम होगा। और जितना छोटा रेडियस होगा, उतना ही सिग्मा उसका ज्यादा होगा, क्योंकि रेडियस कम होगा तो उसका एरिया कम आएगा, एरिया कम आएगा तो सिग्मा ज्यादा आएगा। इसीलिए कहीं पर सिग्मा ज्यादा, कहीं पर सिग्मा कम। तो हम ये बोलते हैं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सरफेसेस में सिग्मा इज लोकल, लोकल टू दी सरफेस। सरफेस के लिए सिग्मा क्या है? लोकल है। लोकल समझते हो? लोकल लैंग्वेजेस, 50 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोकल है। अब लोकल का मतलब कि कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। ये लोकल एरिया है, अलग, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसका मतलब सिग्मा हर एलिमेंट का डिफरेंट होगा। क्लियर है? और जब मैं स्फेयर की बात करता हूं, तो स्फेयर का आर यूनिफॉर्म है हर तरफ से, तो सिग्मा की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा है, सिग्मा में हमने, सिग्मा स्फेरिकल शेल में हमेशा यूनिफॉर्म लिया जाता है। उसमें जितने भी हमने गॉस थ्योरम के एग्जांपल्स लिए, सिग्मा हमने एक ही लिया। हमने कभी कहा ही नहीं कि शेल के अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि कंडक्टिंग शेल में चार्ज इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड जो शेल स्फेरिकल नहीं होगा, उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके सामने। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, ठीक। अब मेरा जो टॉपिक था वो गुम गया बीच में। मेरा टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। गुमानी, एक्चुअल में ये चीजों का पता होना चाहिए इफ यू वांट टू स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, नहीं तो आएगा नहीं। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझने के लिए, कि आपको इस केस में, मान लो एक कोई भी इस टाइप की बॉडी में आपको दे देता हूं, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो टॉपिक है, ये किसके लिए हम कर रहे हैं? फॉर अ कंडक्टिंग बॉडी ओनली। तो ये लो, ये एक चार्ज बॉडी है, ये मैंने चार्ज बॉडी ले ली, एंड सपोज इस चार्ज बॉडी का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये रहा, एक एलिमेंट ले लिया। ये एलिमेंट है ए बी, ए एंड बी, ये एलिमेंट, राइट। तो चार्ज बॉडी का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है, ताकि आपके दूर से स्टूडेंट को नजर आए, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, बट दिस एलिमेंट इज वेरी 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 स्मॉल। तो अगर इसके ऊपर कुछ बड़ा चार्ज है, तो इस एलिमेंट के ऊपर छोटा चार्ज होगा, कितना? डी क्यू। ये जो एलिमेंट है, इस पे चार्ज क्या होगा? इस पे चार्ज होगा डी क्यू। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? राइट। और इसका एलिमेंट का स्मॉल एरिया कितना है? डी एस। डी एस का मतलब इसका एरिया। ये भी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?
आप मुझे ये बताओ कि ये जो बचा हुआ एलिमेंट है रेड के अलावा, जो एलिमेंट मैं स्टडी कर रहा हूं, उसके अलावा जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ एलिमेंट इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, क्योंकि फोर्स लगाएगा। वो अलग बात है कंडक्टिंग बॉडी है तो कंडक्टिंग बॉडी रहेगी तो जैसी है स्टैटिक वैसी रहेगी, ये नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या उड़ता हुआ पार्ट जाएगा, पर हाँ फोर्स तो लगेगी, तो मानते हो। तो ये वाला जो पार्ट है इस एलिमेंट को क्या करेगा? रिपेल बाय सम फोर्स, अप्लाइंग सम फोर्स। क्लियर है यहां तक? तो इस एलिमेंट को फोर्स लगाएगा। अब फोर्स कितनी लगाएगा? फोर्स लगाएगा इसका खुद का चार्ज, एलिमेंट में चार्ज कितना है? डी क्यू। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है ब्लैक कलर का, वो रेड कलर के ऊपर क्या लगाएगा? फील्ड। ये मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं, फील्ड। डी क्यू इसलिए रेड है क्योंकि एलिमेंट रेड है, तो चार्ज इसका रेड एलिमेंट का। फील्ड किसने लगाया? ब्लैक एलिमेंट ने, जो बचा हुआ पोर्शन है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इसकी फोर्स। एग्री करते हो? तो फोर्स आ गई। तो अब ये जो फोर्स आएगी, ये जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज। अगर मैं ये बोलता हूं कि इस पोर्शन का सिग्मा सिग्मा है, लोकल है, जो भी सिग्मा यहाँ का होगा, सिग्मा वन सिग्मा टू इन जनरल जो भी सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बॉडीज की चेंज हो जाती हैं, पर जो भी इसका सिग्मा होगा, तो सिग्मा को अगर मैं डी क्यू, सिग्मा को अगर मैं इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं डीएस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चार्ज। क्योंकि सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। को किससे मल्टीप्लाई किया? एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इज चार्ज। तो मेरे पास डी क्यू की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? ठीक है, डी क्यू आ गया। अब इस डी क्यू इंटू ई, ये स्टेप क्लियर है? अब एक काम करता हूं, जो भी फोर्स एक्सपीरियंस की रेड पोर्शन ने और डीएस इसका एरिया है, फोर्स बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो मेरे को भी क्या निकालना है? प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब इस पोर्शन को बचे हुए पोर्शन ने के चार्ज ने कितनी फोर्स लगाई, कितना प्रेशर लगाया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या आएगा? सिग्मा इंटू क्या करेंगे? ई, यही आएगा। तो अगर आप मुझे वैल्यू बता दें कि यहां पर ई क्या लगेगा, यहां पे ई की वैल्यू क्या लगेगी, तो मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, एग्री कर रहे हो इस चीज से? तो ई क्या लगेगा, आंसर आ जाएगा। अब पहला मेरा क्वेश्चन है, ई ये जो मैंने दिखाया ये किस पोर्शन पे लगा? स्मॉल पोर्शन ए बी पे लगा, राइट? ई किस पे लगा? ए बी पे लगा। किसने लगाया? ब्लैक पोर्शन ने लगाया, बचे हुए पोर्शन ने लगाया। क्या आप समझ पा रहे हो उस चीज को? तो क्या आपको इसकी वैल्यू मालूम है कि जो ब्लैक पोर्शन रैंडम जो बॉडी है, चार्ज बॉडी है, उसने इस एलिमेंट पे कितना ई लगाया? क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला आता है? फॉर्मूला आता है, वैल्यू क्या होगी इसकी? ओके, क्या मैंने ये कभी करवाया कि रैंडम शेप बॉडी की वजह से ई क्या होगा? नहीं करवाया, नहीं करवाया ना। मैंने किसका करवाया ई? मैंने शेल का करवाया जो कि एक सिमेट्रिकल बॉडी है, मैंने सॉलिड स्फीयर का करवाया, शेल का करवाया, मैंने लाइन चार्ज का करवाया, शीट का करवाया, पर मैंने रैंडम चार्ज किसी भी कंडक्टर का नहीं करवाया, राइट? तो इसका मतलब ये टॉपिक हमारा अटक गया। तब हमें क्या सीखना चाहिए? हाउ टू कैलकुलेट ई। समझ में आया? तो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है और एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, हाउ टू कैलकुलेट ई। तो जब ये टॉपिक पढ़ते हैं ना आप, जब ये टॉपिक बुक में पढ़ते हैं, तो कभी कभी इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है, यार ये ई बीच में कैसे आ गया, ये मतलब प्रेशर के टॉपिक में ई की डिस्कशन क्यों कर रहा है? तो समझ में आया कि प्रेशर के टॉपिक में चलते चलते बीच में ई कैसे बीच में आ जाता है। वो पहले ई की डेरिवेशन करेगा, ई निकालेगा, फिर प्रेशर के टॉपिक को पकड़ के फिर प्रेशर को सॉल्व करेगा। तो समझ में आ रहा है सबको? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर हम क्या करने जा रहे हैं? तो आज का टॉपिक एक्चुअल में प्रेशर का है ही नहीं, क्योंकि प्रेशर में तो कुछ रहा ही नहीं करने में। आज का टॉपिक क्या है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी कंडक्टर, और उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कानन बंसल मनराज, मिश्का जिंदल, अंकुश,
रुको रुको एक बार, तब हम ई निकालते हैं। अब ई निकालने की भी जबरदस्त टेक्निक है। क्यों देखो, हमें ना तो ये पॉइंट चार्ज है, और जो पॉइंट चार्ज नहीं है इतने हमसे तो लाइन चार्ज नहीं संभला इंटीग्रेशन में, इसकी इंटीग्रेशन तो कौन ही कर लेगा। तो हमारे पास घूम फिर के क्या तरीका है ई निकालने का, ई निकालने का क्या तरीका है? नहीं, तरीका क्या है? फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो मैंने करवाया ही नहीं। तरीका क्या है? गॉस थ्योरम। यार गॉस थ्योरम, तुम्हारे पास और कुछ, तुम्हें आता क्या है ई निकालने में? कोई टेढ़ी मेढ़ी बॉडीज है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम्हें वो भी गॉस थ्योरम आती है, और वो भी सिर्फ कुछ लिमिटेड बॉडीज के लिए आती हैं, किसी भी बॉडी के लिए तो वो भी नहीं आती, राइट? हाँ, आज शायद आ जाए, क्योंकि आज ये रेंडम शेप बॉडी है, तो इसकी वजह से ई निकालने से आपको काफ़ी चीज़ का पता लगेगा। तो हम लगाएंगे गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम से ई निकाल लेंगे। अब ई निकालने के लिए फिर से मैं इस क्वेश्चन को, ये लो, ये मेरे पास एक बॉडी है। अब प्रेशर को तो बाद में देखते हैं क्या करना है प्रेशर का, पहले बात करते हैं कि ई की वैल्यू कैसे निकलेगी। लो, मेरा एक क्वेश्चन है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूजन ही ना हो कि ये कंडक्टिंग है कि नहीं। दिस इज़ अ कंडक्टिंग बॉडी, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है। इस कंडक्टिंग बॉडी के यहां पे मुझे ई निकालना है, विच दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द कंडक्टिंग बॉडी। कोई ये ना कहे ये 2 मीटर दूर है कि 3 मीटर दूर है, ये तो बहुत ही नजदीक है। मैंने जान के थोड़ा दूर बनाया है ताकि आपको दूर के स्टूडेंट को नजर आ जाए, अदरवाइज ये काफी क्लोज है। तो हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के बाहर या सरफेस के ऊपर या बाहर कहीं पर भी ई क्या होगा, राइट? तो इसको करने के लिए टेक्निक क्या है? इसको करने की ये टेक्निक है कि आप एक काम करो, जहां आपको ई निकालना है, ठीक है, आप ये जो पोर्शन है इसका एरिया ए लें, आप इसका थोड़ा सा एलिमेंट लें जिसका एरिया क्या है ए, क्योंकि बॉडी है ना, लाइन थोड़ी ना है, पूरी बॉडी है, उसका एरिया आपने ए ले लिया, ठीक है। आप क्या करें, आप कुछ डिस्टेंस ऊपर यहां पे कहीं पर जहां आपको ई निकालना है, मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर देता हूं, देखो। तो सपोज ये आपने चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर भी चार्ज, ऑब्वियसली चार्ज है कुछ ना कुछ, ठीक। तो सपोज करो एक मिनट के लिए कि आपने ये एरिया ए ले लिया, और आपने यहां कहीं ई निकालना है, तो आप एक काम करें, आप एक इमेजिनरी इमेजिनरी क्लोज्ड बॉडी लें, और मैंने क्या ले लिया, एक सिलेंडर। आपको कि क्लोज बॉडी जरूरी सिलेंडर नहीं, कुछ भी लें आप, क्यूब लें, क्यूबॉइड लें, कुछ भी लें। तो मैं क्या लूंगा जिससे रिजल्ट इजी होंगे, मैं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी फिगर क्यों लूं जिसमें खुद ही उलझ के रह जाऊंगी मैं? गॉस ने तो कहा नहीं ना कि क्लोज बॉडी यही लो या वो लो, तो जो आसान हो वो ले लो। तो सबसे आसान क्या लगता है इसमें? सिलेंडर। कैसे, मैं बताता हूं। तो आपने कोई भी एक क्लोज बॉडी ले ली जिसका कुछ पोर्शन बाहर भी है बॉडी के, और कुछ पोर्शन अंदर भी है, ये इमेजिनरी है प्लीज, ठीक है। इसका एरिया अगर ए है, इसका एरिया अगर ए है, तो इसका एरिया भी क्या होगा? ए होगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब मुझे एक चीज बताओ कि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? बाहर की तरफ होगी, राइट? मानते हो एरिया वेक्टर बाहर, अगर कोई सिलेंडर है उसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बाहर की तरफ होता है। तो कुछ भी आपने इमेजिन कर लिया, तो इसके ऊपर जब आपने एरिया वेक्टर लिया वो बाहर की तरफ चला गया। अब जैसे यहां लेता हूं, चलो यहां लेता हूं, इस सरफेस पे अगर मैं एरिया लूंगा तो वो यहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इस सरफेस पे लूंगा तो एरिया वेक्टर यहां आ जाएगा, तो जो भी आप एरिया लोगे उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट? क्लियर है यहां तक? आपने यहां ई निकालना है, तो यहां इमेजिन करें प्लस वन, इसकी सरफेस पे ई निकालना है, मान लो यहां पे ई निकालना है तो प्लस वन, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल,
तो ये लो, ई वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आएगी? बाहर, और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस कहाँ निकलेंगी? बाहर निकलेंगी सरफेस से, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ई वेक्टर आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर है। और यहाँ पे अगर ई वेक्टर लेंगे यहाँ पर, तो वो भी आउटवर्ड निकलेगा। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनने वाला है? 90। तो कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। कोई डाउट इसमें? क्या रिजल्ट क्लियर है? तो आपके पास एक सिलेंडर में कितने एरिया होते हैं? एक क्रॉस सेक्शन सर्कल ऊपर, एक क्रॉस सेक्शन सर्कल नीचे, और एक कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या आ गया? जीरो। डन। इसका फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस का? डीएस कहां पर है? नीचे। डीएस नीचे। मैं ये कंसिडर करूं इसका फ्लक्स कि ना करूं? क्यों ना करूं? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है? तो लेने की जरूरत क्या है? अंदर वाला तो वैसे ही जीरो रिजल्ट देगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग शेल, स्फेरिकल शेल के अंदर ई क्या होता है? जीरो। तो ई कहां एग्जिस्ट करेगा? बाहर, क्योंकि लाइंस अंदर तो एंटर करेंगे नहीं, लाइंस कहां पर जाएंगी? बाहर। कोई डाउट इसमें? तो ये वैसी फ्लक्स नहीं देगा, कर्व्ड सरफेस एरिया वैसी फ्लक्स जीरो दे गया। तो बचा क्या? सिर्फ ये पोर्शन। इसमें ई और एरिया में एंगल कितना है? जीरो। जीरो। तो इसका फ्लक्स क्या आएगा? ई इंटू एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, डी एस विल गिव एरिया ए। तो पूरी क्लोज बॉडी का एक तरीके से टोटल फ्लक्स क्या होगा? ई इंटू ए। क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ठीक। तो यहां तक क्लियर है? तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया? ई इंटू ए। अब गॉस ने क्या कहा था? भैया अगर तुम्हें टोटल फ्लक्स चाहिए तो क्या करोगे? ये बोलो मेरी क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। तो तुम्हें चार्ज दिख कहां रहा है? उस बॉडी की सरफेस पे। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है चार्ज? बस इसी पोर्शन पे एक्चुअल में, तो बाकी तो हवा में ही हो रहा है सब, क्लोज क्लोज बॉडी। तो इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो इसमें ई इंटू एरिया इज इक्वल टू, कोई बताएगा क्यू इनसाइड क्या है? क्यू इनसाइड सिग्मा इंटू एरिया। बिल्कुल सही, क्योंकि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? सिग्मा। तो मान लो बॉडी का सिग्मा इज सिग्मा, और इसका अगर एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए है। तो मेरे को तो बस ये वाला चार्ज चाहिए ग्रीन कलर का, जो कि क्या होगा? जो कि इसमें सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? कैंसल। ई की वैल्यू क्या आ गई? क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला ना देखा लगता है, कहां देखा है? फ्लक्स में देखा, कौन से टॉपिक में देखा? तो जो पैरेलल लाइंस, पैरेलल चार्ज शीट में देखा, और कहां देखा? शेल में भी देखा। शेल के सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, क्योंकि शेल क्या था? कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। क्या यार बेकार बातें कर रहे हो। अरे भैया शेल कहां से नॉन कंडक्टिंग हो गया? शेल में नॉन वॉल्यूम वाइज थोड़ी ना, शेल का मतलब अंदर से खाली है, हवा निकलेगी। तो नॉन कंडक्टिंग क्या करोगे? कंडक्टिंग। शेल इज ऑलवेज कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है, इट इज ऑलवेज नॉन कंडक्टिंग। ठीक, तो शेल इज कंडक्टिंग। तो कंडक्टर के सरफेस के बाहर ई की वैल्यू उसमें क्या थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी क्या है? सिग्मा बाय। चलो बढ़िया हो गया, दो फॉर्मूले नहीं बने। तो आज की बात एक यूनिवर्सल रिजल्ट आ गया कि चाहे शेल स्फेरिकल हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कोई बॉडी हो, कंडक्टर, कंडक्टर की बॉडी के बाहर ई की वैल्यू इज ऑलवेज सेम, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर फर्क क्या है? आपको यार वो तो फिर वही कर लेते, इसका क्या फर्क है? इसका ये फर्क है, उसमें सिग्मा चेंज नहीं होगा, स्फेयर में सिग्मा की वैल्यू विल रिमेन सेम, बताया ना आर सेम रहता है, इसमें सिग्मा चेंज हो सकता है। यहां के लिए सिग्मा अलग है, यहां सिग्मा अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। तो ई की वैल्यू यहां लगाएगी, यहां लगाएगी, यहां लगाएगी, यहां लगाएगी, क्योंकि ई की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू लोकल है, तो ई की वैल्यू भी यहां पर चेंज होती रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ई का फॉर्मूला क्लियर है। तो मैं क्या करूं? प्रेशर में जाके ई पुट कर दूं, जो प्रेशर कर रहे थे उसमें ई पुट कर दूं। ओके, तो वापस चलूं अपने वो जो टॉपिक हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो मेरा टॉपिक था जो पहले हम कर रहे थे,
दोहरा बनाना पड़ेगा। देखो तो मेरा क्या टॉपिक था, ये मेरा टॉपिक था, ये लो ठीक है। तो मेरे को पता है कि चार्ज, इसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने इसमें क्या पोर्शन लिया था, ए बी पोर्शन लिया था, याद करो ये रहा मेरा ए बी पोर्शन राइट। इसका चार्ज क्या था, डी क्यू, इस पे फोर्स क्या थी, डी एफ, जिसकी वैल्यू क्या थी, डी क्यू इंटू ई। मैं जरा इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, ये रेड के अलावा ये ब्लैक पोर्शन ले रहा हूं मैं। रेड मेरा एलिमेंट्री पोर्शन है जिसके ऊपर मुझे प्रेशर निकालना है, और ब्लैक बचा हुआ पोर्शन है। तो यहां पर ई कौन लगाएगा, रेड थोड़ा लगाएगा, रेड अपने ऊपर ही ई लगा लेगा। कोई चार्ज अपने ऊपर ई लगा लेता है, नहीं लगाता, कौन लगाता है, उसके पड़ोस के एलिमेंट लगाते हैं। तो इस रेड के अलावा जो ब्लैक दिख रहा है वो ई लगाएगा, एग्री करते हो। तो ये ई यहां लगाएगा, तो मैं ब्लैक कलर का यूज करूंगा राइट। तो मैं क्या करूं, ई की वैल्यू हमने क्या निकाली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, गलत, हमने निकाल ली नहीं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे अभी तो बोला आपने, कब निकाली, मैंने तो ये कहा कि पूरी कंडक्टिंग बॉडी यहां पे ई लगाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इंक्लूडिंग ए बी एंड इंक्लूडिंग ब्लैक पोर्शन, रेड पोर्शन एंड ब्लैक पोर्शन का नेट रिजल्ट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। पर यहां पे तो मैंने पूछा ही नहीं नेट आंसर, मैंने तो पूछा सिर्फ ब्लैक पोर्शन ने कितना ई लगाया, रेड अपने ऊपर लगाएगा नहीं, और जो मैंने रिजल्ट करवाया वो रेड और ब्लैक का करवाया। तो इसका मतलब आप यहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पुट नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आया यहां तक, ठीक है, क्यों नहीं, ओके। हमने जो रिजल्ट किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो रिजल्ट क्या है मालूम है, वो रिजल्ट है कि अगर आपके पास ये पूरी बॉडी है इंक्लूडिंग रेड एंड ब्लैक, और मैं आपसे पूछूं कि यहां पे सरफेस के बाहर ई कितना है, किसकी वजह से, रेड एंड ब्लैक, तो ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर मेरी रिक्वायरमेंट नेट ई की तो है ही नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ब्लैक। तो मैंने आपको ऐसा रिजल्ट करवाया कि हम एक काम करते हैं, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का इतना सा पोर्शन छोड़ दो, बचे पोर्शन की वजह से ई निकालो। मैंने करवाया, मैंने नहीं करवाया, मैंने क्या करवाया, शेल का करवाया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस रैंडम शेप बॉडी का करवाया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पर मैंने पार्शियल बॉडी का थोड़ा करवाया, इतना पोर्शन छोड़ दो बाकी का ई बोलो क्या है। अब एक प्रॉब्लम है, मेरे को जो मैंने ई निकाल के दिया आपको वो तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मैंने तो पूरी बॉडी का निकाल के दे दिया, मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ ब्लैक पोर्शन का ई चाहिए। तब एक काम है, अब काम करते हैं, प्रेशर निकालने के लिए हमें पहले इस एक और रिजल्ट को डिस्कस करना पड़ेगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई बिकॉज ऑफ ब्लैक पोर्शन एक्सक्लूडिंग रेड पोर्शन। आप वो अच्छा प्रेशर डाल रहे हो यार, ये कैसा प्रेशर है ये इतना सा टॉपिक था, ई निकालना था, एक मिनट का काम था, पहले वो सिग्मा को लेके बैठ गए, फिर ई पूरी बॉडी का निकाल के बैठ गए, अब कहते हैं नहीं नहीं वो तो चाहिए नहीं था, मेरे को तो बचे पोर्शन चाहिए। क्योंकि दोनों रिजल्ट अब मैं यूज करने वाला हूं और इसकी ई की वैल्यू को निकालने वाला हूं। करें स्टार्ट, कोई लिंक होगा ना, तभी ये जब टॉपिक पढ़ा जाता है ना बुक्स में इजीली समझ में नहीं आता, ये पता नहीं क्या बुक वाला लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। मैंने भी दो बार पढ़ा जा, पहली बार पढ़ा मैंने, इतनी क्या करे जा रहा है यार, ये एक्स वाई क्या पॉइंट करे जा रहा है। तो जब ध्यान से पढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। प्रेशर की कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम था, तो कहानी समझ में आ रही है कैसे लिंक है। आगे देखो, तो अब एक काम करते हैं, हमें एक रिजल्ट तो पता लग ही चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं उस रिजल्ट में, क्या कि अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, और ये मेरा पोर्शन रेड वाला वही ए बी, ये मैंने बना लिया ए बी राइट, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, मैंने एक पॉइंट वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, मैंने एक पॉइंट कहां लिया, मैंने एक पॉइंट इस बॉडी के काफी क्लोज यहां पे कहीं ले लिया, इसका नाम है एक्स एक्स, ठीक है। आप मुझे एक चीज का आंसर दें कि ये जो, और मुझे यहां पर ई निकालना है, मान लो मुझे यहां पर ई निकालना है, तो ये अगर इसके इसका सिग्मा ए बी पोर्शन का सिग्मा है, और ये कोई पॉइंट है वाई,
एक पॉइंट है इस सरफेस के इमीडिएटली नीचे एक्स, एक पॉइंट है इमीडिएटली ऊपर वाई। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये चार्ज है, अगर मान लो वाई पॉइंट है और मुझे यहाँ पर ई निकालना है, ई मुझे यहाँ पर ई निकालना है, और ई की वैल्यू किसकी वजह से, इस रेड की वजह से, इस रेड की वजह से। और ऐसे अगला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि कोई पॉइंट है एक्स, मुझे यहाँ पर ई निकालना है ड्यू टू रेड पोर्शन, ठीक। आपको वैल्यू नहीं बतानी क्योंकि वैल्यू आती तो ये डिस्कशन का पार्ट ही नहीं था, आपको टुकड़े का ई तो आता ही निकालना। आप डायरेक्शन तो बता सकते हो मुझे, आप बस मुझे ये बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं कहूँ कि वाई पोर्शन पे ई निकाल लो तो यहाँ पर मन में क्या एज्यूम करोगे कि कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस वन। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल। कोई डाउट इसमें? तो मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी प्रोड्यूस करेगा, ई वन। क्लियर है? डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो ए बी पोर्शन है, एलिमेंट्री पोर्शन है, ये जो ब्लैक पोर्शन है बहुत ही बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ चार्ज जा रहा है, ये यहाँ पर वाई पोर्शन पे ई लगाएगा, ए बी ने भी ई लगाया और बचे हुए पोर्शन ने भी ई लगाया। जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है रेड ब्लैक कलर का, वो जो यहाँ पर ई लगाएगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी, उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो भी इस तरफ आएगी ई टू। नहीं, मजा नहीं आया, कैसे कैसे इतनी जल्दी यह हो सकता है? ये कौन सा पॉइंट चार्ज है? ब्लैक पोर्शन तो पॉइंट चार्ज नहीं ना, ब्लैक पोर्शन में तो एलिमेंट लेंगे, ये इस प्लस वन को रिपेल करेगा, ये से रिपेल करेगा, ये से रिपेल। मैं इतनी आसानी से कैसे बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं ऊपर ही आएगा, इस तरफ आएगा, है ना प्रॉब्लम? थोड़ा धक्का किया ना, थोड़ा थोड़ा कि ठीक है ऊपर ही आएगा, ऐसा कैसे पता लगा आपको ऊपर ही आएगा? कॉम्पोनेंट करके क्या पता कॉम्पोनेंट इधर जा रहा हो, नेट इधर आ रहा हो, थोड़ा सा मुझे कैसे पता कि इधर ही आएगा, इसकी तरफ ही आएगा? थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा डेटा भी आ सकता है, हमने करके तो नहीं देखा, इंट्यूशन बोल रही है, चलो यार ऐसा होता ही होगा। कहाँ पे? ओके, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे देता हूँ, हम एक काम करते हैं, इस दो मिनट इस वाई पॉइंट को छोड़ देते हैं, सेम रिजल्ट एक्स पे लगाते हैं। आप मुझे एक रिजल्ट, एक चीज़ बताओ, ए बी पोर्शन, ये रेड कलर का ए बी पोर्शन, एक्स पॉइंट पे अगर मैं ई निकालता हूँ एक मिनट के लिए प्लस वन रखे, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, इवन आ गया। बचा हुआ ब्लैक पोर्शन इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहाँ करेगा, ऊपर करेगा। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों कि यार ऊपर ही करेगा, क्योंकि मुझे पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्या होगा, जीरो। कब आएगा? जब दो वेक्टर आपस में क्या करेंगे, कैंसिल। तो मुझे रिजल्ट तो पहले ही पता था कि जीरो है, किसी भी कंडक्टर के अंदर तो ई जीरो ही होता है। तो इसका मतलब अगर रेड वाले ने ई नीचे लगाया तो बचे हुए पोर्शन ने भी ई ऊपर लगाया होगा, ताकि दो वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाए, E1 रेड पोर्शन, मैंने कलर रेड यूज किया, E2 ब्लैक पोर्शन, बचा हुआ ए बी को छोड़ के तभी कलर मैंने ब्लैक यूज करा, ठीक। तो ब्लैक ने प्लस वन को यही रिपेल किया होगा इस रेड के ऑपोजिट, क्योंकि नेट अफेक्ट क्या आना चाहिए इनसाइड अ कंडक्टर, जीरो। तो अगर ये रूल यहां एप्लीकेबल है तो ये रूल फिर यहां भी तो एप्लीकेबल है, भाई ई टू अगर ऊपर जा रहा है तो यहां पर भी ऊपर ही जाएगा। तो या तो E1 के ऑपोजिट रहेगा, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर हो तो ऑपोजिट रहेगा, ताकि E1 E2 कैंसिल, या फिर बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो दोनों के दोनों E1 E2 विल बी इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेड वाले ने और ब्लैक वाले ने, इसकी तो बात करनी है बेकार है, इसका फायदा ही नहीं है, तो इसको तो अब छोड़ ही देते हैं, अंदर तो मुझे पता ही है कि ई की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो, इसकी बात नहीं करेंगे हम, राइट? तो इसकी बात नहीं करते, अब सिर्फ बाहर वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए, राइट, बाहर वाले पॉइंट के लिए E1 E2 सेम डायरेक्शन में। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर ये सिग्मा सिग्मा मुझे पता है, तो आपने ये बताना है
कि रेड और ब्लैक का मतलब तो कंप्लीट बॉडी होगी ना, और कंप्लीट बॉडी यहां पर किसी भी पॉइंट पर ई क्या लगाती है, नेट सिग्मा बाय, ठीक है, इस पॉइंट पे नेट आंसर तो ऑलरेडी मुझे पता ही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो नेट आंसर क्या ले लिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपको दो इसके पोर्शन बनाने हैं, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला, तो रेड और ब्लैक दोनों क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ई में, ई वन एंड ई टू, तो टोटल अफेक्ट विल बी इक्वल टू ई वन एंड ई टू, तो यानी कि ई वन प्लस ई टू का सम क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट इसमें, E1 E2 का सम तो ऑलरेडी पता ही है मुझे, जो पिछला टॉपिक था वो यही तो बता रहा था कि टोटल अफेक्ट, क्योंकि टोटल तो मुझे पता ही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मेरे को तो उसके पार्ट्स का नहीं पता था, तो अब मुझे ये पता लगा। बोलो, सिग्मा इस पोर्शन का सिग्मा लिया हमने, जो भी लिया, अगर सिग्मा चेंज होगा तो सिग्मा की वैल्यू चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, इस पोर्शन का सिग्मा तो मान लो सिग्मा ही है, तो क्लियर है यहां तक। तो नेट आंसर दोनों बॉडीज का मिला के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अलग अलग मिला के E1 एंड E2, और इनसाइड अ बॉडी इसके अंदर E1 एंड E2 वाज कैंसलिंग ईच, एंड इफ दे आर कैंसलिंग ईच अदर, इसका मतलब E1 E2 का मैग्नीट्यूड भी क्या रहा होगा, सेम, तभी तो नेट इफेक्ट क्या आया, जीरो। क्लियर है यहां तक, E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेड ने लगाया, E2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लैक ने लगाया, बचे पोर्शन लगाया, तो इसका मतलब कि टोटल इफेक्ट तो मुझे पता ही है, अब दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो भाई E1 E2 क्यों लिखूं, मतलब रेड ने लगाया ई, ब्लैक ने भी लगाया ई, ऐसे बोल दूं ताकि ई एंड ई इनसाइड कैंसिल ईच अदर, तो बाहर भी दे विल रिमेन सेम, तो ई प्लस ई का सम क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ ना पेन भी या ब्लैक ही यूज करता हूँ, रेड और ब्लैक का अफेक्ट क्या है, सम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 2 × ब्लैक ही कर लेते हैं, रेड और ब्लैक का ई तो बराबर ही है, तो 2 × ई इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय 2। आंसर आ गया कि जो ब्लैक पोर्शन है वो ई कितना लगा रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रेड भी कितना लगा रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये रिजल्ट समझ में आया, फिर से E1 E2 बराबर समझ में आया, नहीं आया, ये दोनों आपस में नेट इफेक्ट क्या देंगे, तो जीरो कब देते हैं, जब ये वेक्टर इसके इक्वल है, तो E1 E2 के इक्वल है, सही, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब हमारे पास अब क्या रिजल्ट्स आए, ये रिजल्ट आया कि आपके पास आज के बाद एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज है, उस कंडक्टर के ऊपर अगर कोई चार्ज है और ये रहा कोई पोर्शन, तो इस पूरे कंडक्टर की वजह से ई की वैल्यू इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई नेट लिख लेता हूं ये रहा। पर अगर मैं कहूंगा ब्लैक पोर्शन ने यहां पे ई क्या लगाया, ब्लैक पोर्शन ने ई क्या लगाया, ब्लैक ने, तो आंसर क्या होगा, सिग्मा बाय, सेकेंड रिजल्ट भी आ गया। तो अब हमें शेल का रिजल्ट भी पता है, हमें कोई भी रैंडम कोई भी बॉडी का कंडक्टर का रिजल्ट भी वही पता है, हमें अब उस कंडक्टिंग बॉडी का पार्ट का रिजल्ट भी पता लग गया, उसका क्या होगा, ठीक। अब क्वेश्चन पे चलें अपने पुराने, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि आपके पास कोई भी एक इस टाइप से बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, तो ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ए बी पोर्शन है, ए एंड बी पोर्शन है, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू है, डी क्यू किसके इक्वल है, सिग्मा इंटू डी एस है, सिग्मा इंटू एरिया, और इसके ऊपर रेड पोर्शन पे ब्लैक पोर्शन, ब्लैक कलर लेता हूं मैं, रेड पोर्शन पे ब्लैक पोर्शन क्या लगाएगा, ई लगाएगा, ये ब्लैक कलर यूज की है, तो कितना ई लगाएगा, सिग्मा बाय इतना लगाएगा। तो इस रेड पोर्शन पे जो फोर्स आएगी वो क्या होगी, डी क्यू इंटू ई होगी, ई की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डी क्यू इंटू ई की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डी एफ विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फोर्स अपॉन एरिया इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर, पैर में ई डाल दो, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? पिछले 5 साल में मैंने इस टॉपिक को आज तक नहीं देखा एनसीईआरटी में, आप समझ भी सकते हैं कि कैसे क्या टॉपिक है, बट एनसीईआरटी की नीले रंग की किताब के अंदर आपको ये टॉपिक एज इट इज दिखेगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई चीज़ कभी तो कोई पहली बार भी आएगी, तो आप इस टॉपिक को करके जाएं। फॉर एनी कंडक्टर ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे करनी है, शेल के लिए कैसे करनी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, बुक में गिवन है तो सारी चीज़ें करके ही जानी है, नहीं तो मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक सर, बोलो। सर ये वाला पार्ट जो आपने रेड से लिखा है एक बार फिर से बता दो सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कहा कि वही सेम लिख रहा हूँ, इसके ऊपर चार डी क्यू है, डी क्यू इस ब्लैक कलर ने इसके ऊपर ई लगाया, डी क्यू इंटू ई फोर्स है, ई हमने निकाल लिया, चार्ज सिग्मा इंटू डी एस है, डी एस नीचे आ गया, फोर्स बाय एरिया प्रेशर आ गया, आंसर आ गया। ओके सर। एरिया इसलिए बड़ा लिया नहीं क्योंकि सिग्मा एरिया के साथ चेंज हो जाता है, लोकल है, हल्का सा डीएस चेंज किया नहीं सिग्मा चेंज, तो काम ही डीएस पे होएगा। लेंथ, उस पार्ट का लेंथ नहीं बोलना, उस पार्ट का एरिया चेंज करें तो सिग्मा चेंज हो जाएगा। तो मैं तो कह ही रहा हूँ सिग्मा विल चेंज, मैं तो बोल ही रहा सिग्मा सेम है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी सिग्मा ए सिग्मा बी सिग्मा, हाँ जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस पोर्शन का इतना सिग्मा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर आ जाएगा, इस पोर्शन का इतना सिग्मा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली प्रेशर आएगा, तो प्रेशर चेंज होगा, ई भी चेंज होगा, जब सिग्मा चेंज होगा तो ई भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, यानी कि किसी पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, किसी पार्ट पर कम प्रेशर लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। तो 18 नंबर शीट, ये वो टॉपिक है, वही वो x नंबर पॉइंट है E1 E2, y नंबर पॉइंट है E1 E2 ऑपोजिट, दीज विल कैंसिल ईच अदर। ये टॉपिक एक स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट है कि सरफेस ऑफ द मेटल इज इक्वी पोटेंशियल, हमने नहीं किया, इक्वी पोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल, क्योंकि हमने पोटेंशियल टॉपिक ही नहीं किया तो इक्वी पोटेंशियल तो समझ में आएगा नहीं आपको, पर मेरे को लगता है मैंने इस टर्म को यूज़ भी नहीं किया इक्वी पोटेंशियल टर्म को, पर जब आप सीख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इक्वी पोटेंशियल तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बता रहा है। सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल सर्फेस ऑफ कंडक्टर पे हमेशा इक्वल ही होता है। ऐसा नहीं है, ओके आएगा, ठीक है। रेड वाला छोटा है, ब्लैक वाले का सिग्मा भी अलग है, ई भी डिफरेंट है, पर ये भी आपको मानना पड़ेगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर ई जीरो होता है, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि रेड वाले ने जो भी ई लगाया और ब्लैक वाले ने बहुत सारे ई लगाए होंगे, आपने पहले भी डिस्कशन की थी, तो उसका वेक्टर सम आपने ठीक आंसर दिया था वो इस तरफ ही आया होगा, वहाँ तक आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक थी, लेकिन अब मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको मर्ज कर लेते हैं, तो आपने ठीक बोला कि ई या तो सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों E1 E2 या ऑपोजिट होंगे, अब उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की, पर हमें मालूम है कि नेट ई अंदर किसी भी कंडक्टर के जीरो है, इसका मतलब नेट अफेक्ट आएगा ब्लैक वाले का, वो ई कैंसिल होके E1 के इक्वल ही आएगा। मैं प्रूव तो नहीं कर सकता, बट क्योंकि नेट आंसर जीरो है आपको मानना पड़ेगा कि ऊपर E1 E2 आपस में कैंसिल करते होंगे। ठीक, तो इस चीज़ को एज्यूम कर लिया गया, और वैसे भी अगर आपको याद हो ये रिजल्ट हम पहली बार यूज़ नहीं कर रहे, ये रिजल्ट हम दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको रिंग बताया था, रिंग के सेंटर पे ई जीरो होता है, और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि रिंग अगर आप कंसिडर करते हैं, रिंग हालांकि कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
रिंग के सेंटर पे ई क्या होता है, जीरो होता है। और आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं इसका एक पोर्शन थोड़ा सा कट कर दूं, ये जो रिंग है इसका छोटा सा पोर्शन अगर मैं कट कर दूं, तो आपको याद होगा क्वेश्चन है कि बचा हुआ पोर्शन यहाँ पर फिर क्या ई लगाता है। तो आपने कहा था जो छोटा पोर्शन लगाता है वही बड़ा पोर्शन लगाता है। फिर उस टाइम भी तो डिस्कशन बनती थी ना कि प्रूव करके दिखाओ कि वो सारे एलिमेंट आपस में कैंसिल करते हैं। वो सिमेट्री थी, मान गया वो सिमेट्री थी कि भाई वो एलिमेंट डायमेट्रिकली ऑपरेट ले लेके आप कैंसिल कर सकते हो। पर इसमें इनफाइनाइट कॉम्पोनेंट थे, तो इनफाइनाइट कॉम्पोनेंट में आपने ज्यूम किया तो इसके अंदर भी तो सिमेट्री बन गई ना, क्योंकि नेट आंसर तो इन दी एंड जीरो ही आने। तो ये ज्यूम किया जा रहा है कि बाकी जो रेड वाला ब्लैक वाला पोर्शन है उसके कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल होते ही होंगे, तभी नेट आंसर जीरो आया, नहीं तो नेट आंसर इनसाइड अ कंडक्टर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली फिर तो मानना ही पड़ेगा कि आपको नेट आंसर इफेक्टिव जीरो आना ही आना है, ठीक। मतलब उसको आपके तरीके से प्रूव नहीं कर सकते कि येलो एलिमेंट ले लेके प्रूव करके दिखा दिया, 3D बॉडीज है ना, एलिमेंट बनेंगे भी नहीं इसके। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैंने बनाया, पर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने से पहले मैंने क्या लिखा नोट, कि पहले ये सीख लेते हैं कि ई की वैल्यू आउटसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने नोट किया, मैंने गॉस थ्योरम लगा के दिखाई थी और ई का फॉर्मूला मैंने करके दिखाया। आपको एनसीईआरटी के अंदर इसका प्रूफ आ सकता है, सिर्फ इतने पोर्शन का, सिर्फ इतने पोर्शन का कि ई की वैल्यू निकालो इनसाइड अ कंडक्टर आउटसाइड अ कंडक्टर होल बॉडी के ये होल बॉडी के पॉइंट यहीं पे आया, ये टोटल नेट आया ही, मैं समझा नहीं। हाँ, ये पूरी बॉडी ने एक पॉइंट पे कितना ई लगाया, चाहो तो लिख लो नेट ई, ये नेट ई आया, लिख लो ब्रैकेट में दिस ई इज ड्यू टू होल बॉडी, लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, लिख लेना बुकलेट में कि ये जो ई की वैल्यू आई वो यहाँ पे आई एंड दिस इज ड्यू टू कंप्लीट बॉडी, ये कंप्लीट बॉडी लगा रही है, लिख लेना ये अफेक्ट कंप्लीट बॉडी का अफेक्ट है ई का, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें, फिर मैं वापस अपने पॉइंट पे आ गया और मैंने इस एक्स पॉइंट लिया क्योंकि E1 E2 विल कैंसल ईच अदर, ये अजम्पशन ले ली कि नेट आंसर तो नेट जीरो आने ही आना है। तो एक्स पॉइंट लिया, नेट आंसर क्या आएगा E1 प्लस E2, तो नेट इज E1 प्लस E2, लेकिन नेट आंसर ऑलरेडी पता है क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ई की वैल्यू तो बराबर है तो E1 E2 का आंसर क्या आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए एलिमेंट फिर से AB लिया, AB के ऊपर छोटी फोर्स निकाली DQ स्मॉल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज सिग्मा इंटू DS और DS E2 निकाल चुके हैं, DS को इसके नीचे ले आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला आ गया। तो अपने फॉर्मूला के जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो उस रजिस्टर में इसकी एंट्री भी कर लेना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंटर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर का फॉर्मूला, उस एलिमेंट की वजह से फॉर्मूला, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में ये फॉर्मूला पर सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा इज लोकल टू दी एरिया, सिग्मा इज लोकल टू दी एरिया ये भी लिखा हुआ है, और ई का फॉर्मूला होता क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई को वापस पुट यहाँ पर, सिग्मा का मतलब क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, इस सिग्मा को उठा के यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के दो फॉर्मूला, या तो ये यूज होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, कोई एक यूज कर लो।
ठीक है, इसके बेस पे एडवांस में और मेन्स में एक एक बार ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है रिपीट, तो आप एक बार देख लो इसको कैसे करना है, और नीट में अभी तक आया नहीं, आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। क्या इसमें एक ही ट्रिक है? कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, बस वो ट्रिक आपको याद करनी है, वो बताता हूँ क्या करना है। इसमें क्वेश्चन है कि आपके पास दो हेमिस्फीयर्स गिवन है, दो हेमिस्फीयर्स हैं और ये चार्ज्ड हैं, बना लेना चार्ज, ये चार्ज्ड हेमिस्फीयर हैं सच दैट सिग्मा की वैल्यू दोनों की सेम है, सिग्मा कांस्टेंट है। वैसे भी हेमिस्फीयर सिमेट्री में होता है, सिग्मा सेम रहेगा, ठीक है यहाँ तक। तो हेमिस्फीयर है, सिग्मा गिवन है। अब ये दोनों हेमिस्फीयर प्लस एंड प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। मैं नहीं चाहता रिपेल हो, मैंने पकड़ लिया और फोर्स लगा दी ताकि ये एक दूसरे को सेपरेट ना हो पाए, ठीक। तो बोलो मैंने कितनी फोर्स लगाई ताकि ये ऐसी रहें। अब एक हेमिस्फीयर ने दूसरे हेमिस्फीयर को रिपेल किया होगा, प्रेशर लगाया होगा, पहले हेमिस्फीयर ने दूसरे पे लगाया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि फोर्स है, एरिया है, प्रेशर है, तो आपको फोर्स निकालनी है। अब आपको पता है कि फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, आप कहोगे कि इसके अंदर मैं फोर्स निकाल लेता हूँ, फोर्स कैसे आएगी? निकाल ही नहीं पाओगे, हेमिस्फीयर पॉइंट चार्ज थोड़ी ना कि फोर्स निकाल लोगे, आप फोर्स तो निकाल ही नहीं पाओगे इसकी। सही बोल रहा हूँ ना? हेमिस्फीयर का फोर्स किसको आता है? किसी को नहीं आता। हेमिस्फीयर का ई फिर भी निकाल सकते हो, गॉस थ्योरम लगा के कुछ करके ई फिर भी निकल सकता है, फिर ई से अगला जो करना है वो करो। बट बेटर ये है, क्योंकि फोर्स जो है वो हेमिस्फीयर पे लग रही है और उसके पूरे कर्व सरफेस एरिया पे लग रही है, तो ऐसे केस में आप प्रेशर इनटू एरिया यूज़ करें और आपको चार ऑप्शन गिवन होगी जिसमें ये ऑप्शन है। तो इसके अंदर प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है। अब इम्पॉर्टेंट पता है क्या है इसमें? एरिया। इम्पॉर्टेंट प्रेशर नहीं है, इम्पॉर्टेंट एरिया है। स्टूडेंट के माइंड में आता है कि 2πr² यूज़ करो एरिया, क्योंकि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? 2πr². ऐसे केस में 2πr² कर्व्ड सरफेस एरिया कभी भी नहीं लिया जाता, ऐसे केस में प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है, प्रोजेक्टेड एरिया। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? प्रोजेक्टेड एरिया होता है जैसे आपके पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर अपनी अब मैंने हेमिस्फीयर को यहाँ रख दिया, उसके ग्राउंड पे क्या शेडो गिरेगी? वो हेमिस्फीयर थोड़ा गिरेगी, वो क्या दिखेगी आपको? सर्कल या डिस्क की तरह दिखेगी, वो उसका प्रोजेक्टेड एरिया है, राइट। जैसे लाइट है, आप कई लोग बिल्डिंग्स में होटल्स में ऊपर बनाते हैं ग्रीन कलर का वो, ताकि लाइट एंटर करे। लाइट क्या हेमिस्फीयर की फॉर्म में एंटर करती है? नहीं, डिस्क की फॉर्म, डिस्क बनती है पूरी नीचे लाइट की, सर्कल बनेगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया इसका सर्कल है। तो ऐसे केस में जब आप किसी भी हेमिस्फीयर के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आप कभी भी उसका कर्व सरफेस एरिया नहीं लेते, आप हमेशा उसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हो, और ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया है πr². क्लियर है? सिर्फ यही नहीं, ये टॉपिक आपका सरफेस टेंशन के अंदर भी यूज होता है। वैसे को बता दूं प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट, अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस किए हो तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे एक टॉट वाइज है, टॉट वाइज हेमिस्फीयर, उसकी बॉडी हेमिस्फीयर की तरह है, ऐसी दीवार से चिपका हुआ है, दीवार से चिपका हुआ है, और आपको ये बताया जाता है ये पानी है, ये पानी है, प्रेशर का चैप्टर है, सरफेस टेंशन ही प्रेशर, सॉरी, प्रेशर में कि इसकी पीठ के ऊपर येरा फोर्स क्या लगेगी पानी की, वो फोर्स क्या लगेगी पूरी, क्या कैसे करेंगे? तो आप क्या करते हैं, आप इसमें प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर और एरिया। जब आप प्रेशर लेते हैं वो तो एवरेज प्रेशर हो जाता है, सबको पता है ये H1 है, ये H2 है, मिड पॉइंट ले लेते हैं H ρg, और एरिया जो लेते हैं वो प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, तो यहाँ से क्या आता है इसका प्रेशर फोर्स आती है। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं, बहुत रेयर है, लेकिन इस टाइप का अगर टॉपिक आएगा तो आपने πr² वाला ऑप्शन मार्क करना है और कुछ नहीं करना। वैसे बहुत ज़्यादा आता नहीं है, हेमिस्फीयर के ऊपर जब भी फोर्सेस लगती हैं तो प्रोजेक्टेड एरिया ही लिया जाता है, ये याद रखना बस। बोलो, बार सरफेस कंडक्टर है, ठीक। बस ये एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, जब भी आप बुक्स खोलेंगे आपको ऐसा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बुक में दिखेगा, ऐसे पकड़ के बैठा होगा वो, तो आपको पता होगा इसमें क्या ट्रिक लगेगा, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक। देखो, मेरा मन बड़ा करता है कभी कभी कि मैं आपको लिखूं, आप भी लिखो, मैं भी लिखूं, आप भी लिखो, फिर मैं आपको दो क्वेश्चन दूं, मैं कहूँगा चलो सॉल्व करो, फिर दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मज़ा आ गया, ठीक। मैं समझ सकता हूँ आपकी ये डिफ़िकल्टी कि इसमें मैंने सॉल्व कर दिया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कंटेंट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अगर मैं स्पीड से डेली भी पढ़ा दूं, ऑल्टरनेट नहीं, डेली, तो भी कंटेंट खत्म नहीं होगा।
तो मतलब 50% काम तो आप ही ने करना है। जैसे मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ मेंस के क्वेश्चंस का, आपकी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा क्या फ़ायदा, मेरा ये फ़ायदा है कि मैं आपको एक लेक्चर में मैक्सिमम ट्रिक सिखा दूँ। एफिशिएंसी यही है, जितना मेरे अंदर है वो बाहर आपको दे के भेजूँ कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी, नहीं तो अटके रहोगे। ऑब्जेक्टिव किताबों में बता रहा हूँ, आधा घंटा लग जाएगा ये समझने में कि इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्यों लिया, एक घंटा लगेगा ये समझने में कि वो एलिमेंट्री पोर्शन का वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उसने ले लिया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपकी जो एनर्जी है वो प्रैक्टिस में ज़्यादा लगनी चाहिए, और प्रैक्टिस हमेशा कोई करवाता थोड़ी ना है। ये आप यार 3 साल के बाद इतने पैकेज लेके निकलने वाले हो कॉलेज से, लोगों के 40-40 लाख के पैकेज लगते हैं, तो उनको स्पून फीडिंग होती है, ले पकड़ क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो सीधा बस क्या होता है भाई, तू करेगा, तूने करना है, मैंने थोड़ा करना है, ठीक। तो आप इस पॉइंट को समझें, आपका जो मेन एनर्जी लगेगी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो भी आप एनसीईआरटी करना चाह रहे हैं उसमें खुद प्रैक्टिस पे ज़्यादा लगनी चाहिए, ठीक। तो उसमें ठीक है, जैसे मैं होमवर्क दूंगा आपको, उसकी होमवर्क की डिस्कशन होगी, एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। ट्राई करके आएंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम होगा। पता होगा क्वेश्चन चाहे कोई ना आता हो आपको शीट में से, पर ये तो पता होगा कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन का पता हो तब तो आगे सॉल्यूशन पता लगेगा, क्वेश्चन ही पता नहीं सॉल्यूशन कैसे आएगा, राइट। तो आपको और वैरायटी देखने के लिए मैंने और शीट दी आपको आज होमवर्क, जो मैं ऑनलाइन वालों को भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो आपने ट्राई करना है, ठीक, मैक्सिमम ट्राई करनी है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जितना एफर्ट लगा सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और एसी, मेरी बात याद रखना, वॉल्यूम वन में ही एफर्ट लगना है, वॉल्यूम टू में 50% जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा, 50%। अगर आज 25 क्वेश्चन होते हैं तो वॉल्यूम टू में 50 होंगे उसी टाइम में। वॉल्यूम टू ईजी है, मैंने जैसे बताया केमिस्ट्री बेस्ड है ना, एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के, -13.6 n², बोलो मैं क्या सिखाऊंगा आपको, उसमें सीखी होगी आपने बाल्मर सीरीज में, बोलो लैम्डा क्या निकलेगा, सुनो होगी बाल्मर सीरीज सब सुनो। तो 15 दिन तो बाल्मर सीरीज और पाश्चन सीरीज के ऊपर ही काम चलेगा, हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन, आप लोग केमिस्ट्री क्लास में ही आ गए फिर से, ऐसा लगेगा। मेन एफर्ट वॉल्यूम वन में, मैं बता रहा हूँ आपको, प्लस वन में बहुत एफर्ट है, वॉल्यूम वन में एफर्ट है, वॉल्यूम टू नॉर्मल है, ठीक। तो बेस्ट तरीका है, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में जितना प्रैक्टिस कर सकें, जितनी भी कर सकें, याद रखना मेरी बात, इलेक्ट्रोस्टैट जितना स्ट्रांग होगा आपके 3-4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए कॉम्पिटिशन के। और CBSE वाले सुन लो, 12 से 13 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैट खा जाएगा आपका पेपर 70 में से। 12 नंबर बहुत होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के, 70 में से मतलब, और मॉडर्न फिजिक्स एंड में जो आती है एक महीना चलती है उसमें से 23 नंबर का आएगा। बंदा एक महीना एंड में एक नंबर 12 नंबर ये हुए, लो फिर कहते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है, फेल कौन होगा यहाँ पे, फेल हो ही सकता कोई भाई, पता तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो आप CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 23-23, 20-20 नंबर की मॉडर्न फिजिक्स है, एंड वाला पार्ट काफ़ी इजी भी है और उसमें से बहुत आता भी है। इलेक्ट्रोस्टैट्स 12 या 14 नंबर का भी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये बेस भी होगा काफ़ी आपका, आने वाले जो आप चैप्टर्स करेंगे उसका बेस बनेगा ये। तो यहाँ तक क्लियर है? अब ये ना एक फेज़ ख़त्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स का, हमारा एक फेज़ फिनिश हो गया। अब आप दूसरा फेज़ के ऊपर काम करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पहले दो इस फेज़ से इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी बनते हैं। कम से कम यार वेक्टर का झंझट ख़त्म है, इधर वेक्टर है उधर वेक्टर है, पैलोग्राम इधर वेक्टर उधर, कुछ नहीं कर रहे, एक महीने से वेक्टर वेक्टर खेल रहे हैं, अब वो ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी और मज़ेदार भी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट अपने टॉपिक से, नाइनटीन शीट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।